सेगांव के समीप ग्राम दसंगा में हुए भीषण बस हादसे की प्रारंभिक पुलिस जांच में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के चलते बस हादसे होने की बात सामने आ रही है। इसी को लेकर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस के इस अभियान से बस मालिकों में हड़कंप मच गया है। बुधवार को सेगांव पुलिस वराभी खंडवा बड़ौदा मार्ग पर चौकी प्रभारी अनिल जाधव द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 12 से अधिक बसों को रोका, चेक किया व करीब 4 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस मौके पर एएसआई लक्ष्मण सिंह राठौर सहित पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। वहीं बस हादसे के बाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के कारण बस स्टैंड पर यात्री भी समय पर बस नहीं मिलने के कारण भीषण गर्मी में परेशान होते नजर आए। अभी कल की घटना को देखते हुए सभी बसों को चेक किया जा रहा है। जो भी ओवरलोड बसें जा रही है और अन्य जो कागज़ कमी पाई जा रही है उन पर कार्रवाई की जा रही है। करीबन अभी 10-11 बसें चेक की गई, जिसमें एक बस में ओवरलोड सवारी पाई गई, जिस पर जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है, पंचनामे तैयार करके कार्रवाई की जा रही है। और अन्य जो जिन बसों में कमी पाई गई है उनकी 4 बसों की चालानी कार्रवाई की गई। क्या नाम लिखता है? अनिल जाधव। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।